उत्तराखंड राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष व कैबिनेट दर्जा मंत्री विनय रोहिला का सहारनपुर पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। अम्बेडा कस्बे में तो हर नुक्कड़ चौराहे पर लोगों ने फूल वर्षा और मालाएं पहनाई। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट का दर्जा मिलने के बाद विनय रोहिला पहली बार अपने पैतृक कस्बे अम्बेडा पहुंचे थे। सुबह सहारनपुर की सीमा में दाखिल होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं, रोहिला समाज व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्वागत शुरू कर दिया, जो देर शाम तक चला। कस्बे में पहुंचते ही सबसे पहले विनय रोहिला ने प्रसिद्ध दरगाह पीर माली पर चादर चढ़ाई। उसके बाद कस्बे में बड़ी भीड़ के साथ पैदल घूमकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। मुख्य बस स्टैंड पर सुरेंद्र अरोड़ा द्वारा आयोजित स्वागत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट दर्जा मंत्री विनय रोहिला ने क्या कहा, सुनिए। बेटा, आपका होम टाउन है और आप उत्तराखंड से आए, क्या कुछ लगता है कि सहारनपुर के लिए क्या कर पाएंगे? देखिए बेटा, हमारी मातृभूमि है और इस सहारनपुर क्षेत्र में और गंगो क्षेत्र के अंदर हमारे सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, विधायक भी भारतीय जनता पार्टी से हैं और पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश भाजपा में है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आज हर एक गांव के अंदर, मैं समझता हूं, मकान बनने हैं, शौचालय बनने हैं, सड़कें बननी हैं और अधिकतर आपने देखा होगा कि बिजली की तारें हर तक पहुँच गई हैं। कहीं पटवारी जो है आपसे इस टाइम भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है, कोई नौकरी पेशे के अंदर, सर्विस के अंदर कोई आपसे रिश्वत नहीं मांग रहा है। मित्रों, अगर कोई मांगता है तो तुरंत कार्रवाई होती है। आज मोदी जी, योगी जी और नीचे त्रिवेंद्र, जय नरेंद्र, इस प्रकार से एक वातावरण है कि भारतीय जनता पार्टी जन सेवा के रूप में अपने आप को जन सेवक समझ के सब कार्यकर्ता कार्य में कर रहे हैं। मैं जहां अम्बेडा के अंदर हूं तो मुझे ऐसा विश्वास है कि अम्बेडा के अंदर जो विकास के काम रुके हुए हैं, निश्चित रूप से मैं, सांसद जी, यहाँ के विधायकगण सबको हम लेके एक दिन मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं और यहाँ की जो मूलभूत आवश्यकता है उनके अंतर्गत कार्य करेंगे। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अम्बेडा जो है, जब चुनाव आता है तो ये बहुत सरल सच्चा अम्बेडा रात को कुछ गोरे लोग अंधेरे में काला बनकर खरीदते बेचते हैं। ऐसे गोरे लोगों से जो अम्बेडे को रात को काला कर देते हैं और खरीद कर सुबह उसे गोरा बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे गोरे और काले आदमियों से सावधान रहना चाहिए। अम्बेडे की राजनीति बहुत सरल और सौम्य है। यहाँ एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से सब लोग रहते हैं। मैं समझता हूँ यहाँ ना कोई हिंदू का विषय है, ना मुसलमान का विषय है, यहाँ एक भाई भाई का विषय है और भाई भाई एक दूसरे से कभी दूर नहीं हुए। आपने देखा होगा, चाहे डॉक्टर आबिद हो, चाहे डॉक्टर संजय हो, चाहे अपने अरोड़ा जी हो और चाहे अपने घनश्याम बिरला जी हो, चाहे देवेंद्र मित्तल जी हो, चाहे लाला मोहनदास हो, चाहे धर्मदास जी हो, ये सब जो हमारे पुराने चेयरमैन हैं, हाजी साहब, सब मैं समझता हूँ इन लोगों ने इस अम्बेडे के नाम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कार्य किया। ऐसे कार्यों की प्रमाणिकता को लेकर इस अम्बेडे के मानचित्र को बनाने का काम हम सब लोग मिलकर करने वाले हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए अम्बेडे को विकास करना पहली प्राथमिकता रहेगी और बहुत जल्दी हम सब लोग मिलकर एक इसकी रूपरेखा बनाएंगे और हो सका तो मुख्यमंत्री जी को यहाँ लाने की कोशिश करेंगे।